हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपल रेसिपीज़। आज हम बनाएंगे सब्जियों से भरपूर एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट। आज बनाने वाले हैं राइस पैनकेक्स। ये पैनकेक्स सॉल्टेड पैनकेक्स हैं जो बहुत आसानी से ब्रेकफास्ट में, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट या इवनिंग ब्रेकफास्ट कभी भी आप बना सकते हैं। आइए शुरू करते हैं बनाना। उसके लिए सबसे पहले हमें चावल को भिगा के रखना पड़ेगा। चावल को मैंने 2 से 3 घंटों के लिए भिगा करके रखा है। आप कोई भी राइस यूज़ कर सकते हैं, पतला राइस, मोटा राइस, जैसा भी राइस आप यूज़ करना चाहें। ब्राउन राइस भी यूज़ कर सकते हैं, बस ब्राउन राइस को हमें थोड़ा लंबा भिगाना पड़ेगा। चावल वाइट राइस के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा देर तक भिगाना पड़ता है ब्राउन राइस को। अब हम इसको एक बैटर बना लेंगे। इसका पानी के साथ इसको पीस लिया मैंने 2 हरी मिर्च डाल के। इसमें डाल देते हैं आलू। ये मैंने 2 ग्रेट किए हुए आलू लिए हैं, उबले आलू। इसको मिक्स कर देंगे। आलू डालने के बाद हमारा ये बैटर अच्छा गाढ़ा हो जाता है। अब इसमें कुछ सब्जियां मिला देते हैं। मैंने यूज़ किया है टमाटर, थोड़े गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, हरी धनिया। हरी मिर्च हमने ऑलरेडी डाल दिया था बैटर बनाते समय, तो मैं हरी मिर्च नहीं ऐड कर रही हूँ। मैंने 2 हरी मिर्च यूज़ की। आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप और हरी मिर्च यूज़ कर सकते हैं। इसका बैटर बनाते समय पानी डालने में अगर आपको थोड़ा ऐसा लगे कि जो पानी आप यूज़ कर रहे हैं वो ज़्यादा हो जाएगा या पतला होगा, तो आप पूरी तरह से पहले चावल को ड्रेन कर लीजिए। उसके बाद पीसते टाइम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करिए। उससे क्या, आपका बैटर बहुत पतला नहीं होगा। मसालों में ऐड किया मैंने 1 चम्मच जीरा, थोड़े कद्दूकस किए हुए अदरक, थोड़े से चिली फ्लेक्स। इसमें डालेंगे नमक, नमक आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिए। और इसमें हल्का सा फ्लफ़ीनेस लाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1 चुटकी बेकिंग सोडा। आप चाहें तो फ्रूट सॉल्ट भी ऐड कर सकते हैं। बस बेकिंग सोडा या फ्रूट सॉल्ट डालने के बाद हम इसको तुरंत बनाएंगे, फिर हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं। इसको मिक्स कर दिया। ये बैटर अच्छा थिक हो चुका है। अब तवा मैंने गर्म कर लिया है। तवे पर हल्का सा ऑयल डाल के उसको ग्रीस कर लूँगी मैं। ऑयल को स्प्रेड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हमने जो पैनकेक का बैटर बनाया है वो डालेंगे। ये पैनकेक थोड़े से मोटे बनते हैं, बट फिर भी मैं बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाऊंगी इसको, और ना ही बहुत बड़ा कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो और बड़ा भी कर सकते हैं, और थिकनेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर आपको और मोटा चाहिए तो आप थोड़ा मोटा बैटर स्प्रेड कीजिए। किनारों पर हम हल्का हल्का ऑयल डाल देंगे। अब ये हमने यहाँ पे कच्चे चावल यूज़ किए हैं, तो इसको ढक करके थोड़ा पकाएंगे। एक पैनकेक पकने में 4 से 5 मिनट तक का टाइम लगता है। देखिए, इसका कलर जब एक साइड से थोड़ा चेंज हो जाएगा तब हम इसको फ्लिप करेंगे। थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट सा हो जाता है ऊपर से, उससे हमें पता चल जाता है कि ये एक तरफ से हो गया है। इसको फ्लिप किया। फ्लिप करने के बाद अच्छे से प्रेस करते हुए पकाना है, और फिर से 1 मिनट के लिए उसको ढक देंगे ताकि ये दोनों तरफ से एकदम इवनली कुक हो जाए। अब हम इसको थोड़ी देर और हल्का हल्का ऑयल डाल के क्रिस्प करेंगे। 20 से किनारों से अच्छे से प्रेस करते हुए हम इसको क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। किनारों से क्रिस्प होने लग गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। सब्जियों की वजह से इसमें बहुत अच्छा सा कलर आता है। और ये तैयार हो गए हैं हमारे राइस पैनकेक्स। इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए, और अपने फीडबैक हमारे साथ